आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेंको गोल्ड के आईपीओ के बारे में बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ कवर हो जाएगा सिंगल वीडियो में तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा शुरू करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन से 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एक लीगेसी ब्रांड है पैन इंडिया रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स इनके अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड ईस्ट एरिया में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस हो चुकी है अगर हम डिजाइन की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी में वन लाख से ऊपर डिजाइन इनके कैटलॉग्स में अवेलेबल है और अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो वहां पर फोर्टी सिक्स थाउजेंड से ज्यादा डिजाइन अवेलेबल है वन थर्टी सिक्स से ऊपर शोरूम से एंड शोरूम का टोटल एरिया फोर लाख टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट से ज्यादा हो चुका है आज के दिन इनके पास 70 कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है शोरूम से एंड 61 वन फ्रेंचाइजी शोरूम होने वाले हैं जो स्प्रेड है 99 सिटीज एंड टाउन्स में रफली 13 स्टेट्स को ये कवर कर लेते हैं शुरुआत करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट आईपीओ के डेट से रिलेटेड आईपीओ ओपन होने वाला है फोर्थ ऑफ जुलाई को क्लोज होगा सिक्स ऑफ जुलाई को अलॉटमेंट डिसाइड होगा इलेवन ऑफ जुलाई को रिफंड स्टार्ट हो जाएगा ट्वेल्थ ऑफ जुलाई से शेयर क्रिएट हो जाएंगे को और लिस्टिंग डेट आपके लिए होने वाली है ऑफ जुलाई की की अगर हम आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करें जैसे कि आईपीओ का प्राइस बैंड 301 से लेके 313 हंड्रेड के बीच का होने वाला है 405 हंड्रेड का है टोटल आईपीओ का साइज जिसमें से सेवेंटी करोज का है फ्रेश इशू एंड वन थर्टी फाइव करोस का होने वाला है ऑफर फॉर सेल एन एसी दोनों पे लिस्टिंग होगी ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस अब हम सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पॉइंटर्स को डिस्कस करने के लिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में फाइनेंशियल समझाने वाला हूं और इंपॉर्टेंट आपको काफी पॉइंट्स मिलने वाले हैं वैसे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं कंसिस्टेंट डिविडेंड है एंड रॉबर्ट रिटर्न रेशियो है दिस इज एस पर एस एम आई एफ एस आईपीओ नोट आज के दिन कंपनी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में सेल्स को क्रॉस कर चुकी है फोर्टी बिलियन को और उसके अगेंस्ट में इसके इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे कि रेवेन्यू 23.8% है. का रेशियो एंड सीएजीआर पैट का सीएजीआर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपको मिल जाएगा 60.55% जो इंप्रेसिव हो जाता है अगर मैं क्रेडिट रेटिंग की बात करूं तो यहां पे वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी में इकरा ए की रेटिंग है एंड शॉर्ट टर्म फैसिलिटी में इनकी क्रेडिट रेटिंग आ रही है इकरा ए टू प्लस फाइनली हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं टोटल एसेट्स 1500 करोस के ऊपर थे 2021 में जो 31 मार्च 2023 में बढ़ते-बढ़ते 2900 करोस के ऊपर पहुंच गए हैं टोटल रेवेन्यू भी आप चेक आउट करेंगे 2600 करोस था 2021 में नेक्स्ट ईयर जंप मार के हो गया था 3500 करोस के ऊपर का एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4100 करोस के ऊपर का टोटल रेवेन्यू हमें मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 61 करोस नेक्स्ट ईयर था 129 करोस एंड 2023 में था 158 करोस एक बहुत अच्छी ग्रोथ हम बोल सकते हैं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले दो सालों में डबल आपको होता हुआ दिख गया है एट दी सेम टाइम आपका एक पॉइंट आ सकता है कि यहां पे बोरिंग भी 532 थर्टी करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1100 हंड्रेड करोड़ के ऊपर जा चुकी है पर यहां पे जो बोरिंग मेनली ली गई है वो वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री के पर्पज के लिए है।

अगर हम इसे इनके पीयर कॉम्पेरिशन से करने की कोशिश करें तो पहला पीयर कंपेजिशन आता है कल्याण का जिसका पी रेश थर्टी का टाइटन जिसका पी रेशू है एटी का मतलब अपने पीयर कंपेजिशन के वर्सेज कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो अट्रैक्टिव और फेयर वैल्यूएशन हो जाती है इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो निकलता है एट परसेंट का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है फोर परसेंट का जो इसके जितने भी लिस्टेड पीयर्स हैं उससे काफी अट्रैक्टिव हो जाता है चाहे हम बात करें कल्याण की चाहे हम बात करें टीबी सेट की मेरे फाइनल कंक्लूजन पर जाए उससे पहले अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक्स को चेकआउट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे फाइनल अगर इस आईपीओ के कंक्लूजन की बात करूं आई एम वेरी श्योर आपको अभी तक के डिस्कशन से पता चल गया होगा आईपीओ फेयरली है इसलिए अट्रैक्टिव होने वाला है और मैं प्रॉपरली स्टडी करने वाला हूं और करने वाला हूं कंपनी का ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉग है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो आने वाले समय में भी ग्रोथ कर सकती है इसलिए हमारे नोटिस में रहना चाहिए तो ये आईपीओ वर्थ स्टडिंग है एक ऐसा आईपीओ जिसे प्रॉपरली स्टडी करना और कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन